हेलो दोस्तों, मैं रविला खान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि आज के वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का किस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए बीटी के लिए ही आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एसएससी जेई के लिए या गेट के लिए या बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, बीम या फिर इसके प्रकार। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग केवल ये जानेंगे कि धरन या एक्चुअल में बीम बोलते किसको हैं, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि धरन के प्रकार क्या होते हैं। ओके, तो अभी तक जिन लोगों ने बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों को मेरे इस वीडियो का लाभ मिले। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बीम या फिर धरन क्या होता है। ओके, तो देख लेते हैं बीम या धरन क्या होता है कि बेटा बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज टू सपोर्ट द लोड। ओके, बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज टू सपोर्ट द लोड, यानी कि बीम आपका एक खंड इस प्रकार का खंड काट है जिसका प्रयोग भार को सहायता प्रदान करने के लिए होता है। ओके, बीम या धरन एक प्रकार का ऐसा खंड काट है जिसका उपयोग भार को सहायता प्रदान करने के लिए होता है। ओके, और साथ में एक चीज और बेटा जो खास पहचान है बीम की, ओके, वो क्या होता है कि वन डायमेंशन ऑफ बीम इज कंसिडरेबली लार्जर देन रिमेनिंग टू डायमेंशन। ओके, क्या मतलब हुआ इसका कि इस मतलब धरन के लिए एक प्रॉपर्टी ये होती है कि धरन की कोई एक विमा से दो विमाओं की तुलना में बहुत बड़ी होती है। ओके, तो जैसा कि बेटा आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये जो मैंने एक फिगर बनाया हुआ ये एक बीम का ही है। ओके, बीम मतलब बेटा जो मतलब छतों में आपने देखा होगा घरों में उसका प्रयोग होता है लोड को यानी लेंटर को या छत को आपको सपोर्ट करने के लिए। ओके, उसी को हम लोग बीम बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं इसका बेटा इसको हम लोग बीम कैसे बोलेंगे या जो भी केसेस बोले हैं बीम के लिए जो प्रॉपर्टी बोली उसको देखिए समझिए। तो देखिए मान लिया कि ये बीम की एक डायमेंशन है। ओके, ये क्लियर हो रही होगी आपकी इसकी लंबाई। इसकी बीम की जो दूसरी डायमेंशन है वो बेटा आप ये देख पा रहे होंगे इसकी चौड़ाई, और बीम की मोटाई या ऊंचाई ये तीसरी डायमेंशन। ओके, तो यही फिगर में आपको ही क्लियर हो रहा होगा कि बीम की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि बीम की या धरन की कोई एक विमा जो होती है शेष दो विमाओं की तुलना में बड़ी होती है। ओके, तो देखिए अगर आपने इसको मान लिया लंबाई, इसको मान लिया चौड़ाई, तो ये और इसको मान लिया ऊंचाई, तो देखिए बीम की लंबाई जो है वो चौड़ाई और ऊंचाई की तुलना में बहुत बड़ी। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये जब प्रॉपर्टी सभी फुलफिल करेंगी तभी इसको हम लोग बोलेंगे बीम। ओके, या धरन बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि बीम के प्रकार क्या होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका किसी भी आप मतलब से किसी भी एग्जाम को देख लीजिए बेटा, पॉलिटेक्निक का ही हो चाहे बीटेक लेवल का हो चाहे गेट का हो, कैसा भी एग्जाम हो अगर वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ है तो ये जान लीजिए वहां पर बीम से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर ही आ जाएगा। ओके, हो सकता है SFD BMD आ जाए, या हो सकता है बीम्स के टाइप्स आपसे ही पूछ लिए जाए, या हो सकता है ये भी कि सपोर्ट्स दिए हों उन सपोर्ट्स पर रिएक्शन पूछ ली जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि बीम के प्रकार क्या होते हैं, कि टाइप ऑफ बीम। ओके, तो बीम के टाइप बेटा मैं आपको ज्यादा डीप नहीं बताऊंगा, जो आपके काम के हैं वही अभी आपको समझा दे रहा हूं। कि सबसे पहली बात तो बेटा बीम के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओके, इतना याद रखिएगा, आपने बहुत से पढ़े होंगे, पांच पढ़े होंगे, छह पढ़े होंगे, चार पढ़े होंगे, वो आप उनको याद रखिए, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप पहले देखिए। एक बीम का टाइप होता है बेटा आपका डिटर्मिनेट बीम। ओके, कैसा? डिटर्मिनेट बीम, इसको हम लोग नंबर एक बोलते हैं डिटर्मिनेट बीम। दूसरा होता है बेटा इनडिटर्मिनेट बीम। ओके, इनडिटर्मिनेट बीम। ओके, एक आपका डिटर्मिनेट बीम और दूसरा आपका इनडिटर्मिनेट बीम। अब आगे देखते हैं डिटर्मिनेट बीम कौन सी होती है और इनडिटर्मिनेट बीम कौन सी होती है। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं डिटर्मिनेट बीम। तो यहां पर बेटा पहले हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेट बीम के प्रकार। ओके, तो सबसे पहला यहां पर मैंने लिखा हुआ है कैंटिलीवर बीम। ओके, कैंटिलीवर बीम को बेटा हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रास धरन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, एक बार BTUP में हिंदी में लिखकर आ गया था प्रास धरन, और बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि प्रास धरन क्या होती है। ओके, तो इसको हम लोग हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं कैंटिलीवर को, प्रास धरन। ओके, तो देखते हैं प्रास धरन या कैंटिलीवर बीम कैसे होती है। बेटा ये एक प्रकार की ऐसी बीम होती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है
ये एक प्रकार की ऐसी बीम होती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है। ओके, ये एक प्रकार की ऐसी बीम होती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है। देखिए यहां पर मैंने ए बी एक धरन बनाई हुई है। ओके, ये जो लाइन डिनोट कर रही है ये बीम का ही सिंबल है। ये एक ए बी धरन बनाई हुई है, बीम बनाई हुई है जिसका सिरा ए फिक्स है और दूसरा सिरा बी फ्री। ओके, और ये जो है ए बी से बीच की दूरी, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ बीम, यानी कि बीम की लंबाई। यहां पर स्पैन ऑफ बीम कितनी देख पा रहे हैं या बीम की लंबाई देख पा रहे हैं कितनी है, एल। ओके, तो ये कैंटिलीवर बीम को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक प्रकार की ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा फ्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर या प्रासधरन। ओके, अब देखते हैं बेटा दूसरी धरन क्या होती है। अच्छा, एक चीज और अभी साथ में अगर हम लोग जानना चाहें कि ये जो इसमें रिएक्शन अगर जानना चाहें कि रिएक्शन इसमें कौन सी होंगी। ओके, तो रिएक्शन और उसके सपोर्ट्स के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको जितनी भी सपोर्ट्स हैं उनके और जिनमें जो भी रिएक्शन जनरेट होती है उसके लिए सभी उस वीडियो से आपको सब चीजें वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखते हैं बेटा दूसरी धरन कौन सी होती है। ये हम लोग देख रहे हैं बेटा प्रासधरन, डिटर्मिनेट्स बीम के प्रकार के देख रहे थे। ओके, तो दूसरी धरन जो आपकी डिटर्मिनेट बीम में है वो है बेटा सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर शुद्ध, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा शुद्ध आलंबित, क्या बोलते हैं, आलंबित धरन। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा शुद्ध आलंबित धरन। ये दूसरा टाइप है डिटर्मिनेट बीम का। देखिए ये कैसी होती है, ये बेटा एक प्रकार की ऐसी धरन होती है कि जिसके दोनों सिरे नाइफ एज सपोर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, नाइफ एज सपोर्ट। देखिए ये एक प्रकार की ऐसी ए बी एक प्रकार की ऐसी धरन है जिसकी स्पैन या लंबाई तो एल है और जिसकी जो सिरे हैं बेटा ये ए सिरा और ये बी सिरा कैसे हैं, नाइफ एज सपोर्ट। यानी कि जैसे ये आपकी कोई एक बीम थी और इस बीम के नीचे मैंने दो चाकू रख दिए। ओके, इस प्रकार से दो चाकू रख दिए और उसी के ऊपर बीम को रख दिया, यानी कि कोई फिक्स नहीं है, ना फिक्स है, ना पिन ज्वाइंट है, ना हिंज, कैसा भी कोई भी ज्वाइंट नहीं है, केवल नाइफ एज सपोर्ट है। कुछ इस तरीके से ये बीम आपने ली और ये इस तरीके से रख दिया, इसको हम लोग बोलते हैं नाइफ एज सपोर्ट, यानी कि चाकू की धार। ओके, तो ये जब कोई भी एक प्रकार की ऐसी बीम हो जिसके सिरे जो हो नाइफ एज सपोर्टेड हो बेटा, तो उसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध आलंबित धरन। इसको बेटा हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी दिखाते हैं और साथ में कभी कभी इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं दूसरे सिंबल के रूप में कि इस तरीके से दिखा दिया हम लोगों ने। ओके, ये नाइफ एज सपोर्ट हो गए। ओके, ये ए बी एक धरन हो गई जिसकी स्पैन आपने जो भी मान ली, जैसे यहां पर मान ली मैंने एल है। ओके, तो ये ए बी एक इस प्रकार की बीम है जिसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध आलंबित धरन। तो ये बेटा डिटर्मिनेट टाइप की दूसरी बीम हो गई आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। पहली आपने पढ़ी कैंटिलीवर बीम, दूसरी आपने पढ़ी सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, इसके बाद बेटा जो भी हम लोग है वो भी नेक्स्ट बीम का टाइप देख रहे हैं। तीसरा टाइप बेटा हम लोग डिटर्मिनेट बीम का देख रहे हैं ओवरहैंगिंग बीम, या इसको हिंदी में बोलते हैं लटकती हुई धरन। ओके, ओवरहैंगिंग बीम आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जिसका लंबाई जो होगी बेटा बीम की वो सपोर्ट्स के बाहर भी निकली होगी। ओके, कि जैसे ये एक आपकी एबीसी बीम है जिसमें कि जो सपोर्ट बीम का जो बीसी पोर्शन है आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो बीसी पोर्शन है इसमें इसकी लंबाई जो है सपोर्ट्स के बाहर भी निकली हुई है। ओके, जब इस तरीके की धरन होगी बेटा तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम या फिर लटकती हुई धरन। अच्छा, एक चीज और बेटा, ये सपोर्ट्स के जो लंबाई है बीम की एक्सटेंडेड लंबाई है, ये सपोर्ट्स के एक इस साइड भी हो सकती है। ओके, या फिर हो सकता है इस साइड भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बीम की लंबाई जो है एक्सटेंडेड पोर्शन की वो सपोर्ट्स के दोनों तरफ बाहर निकली, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे ए पोर्शन से भी बीम लटक रही है और बी सपोर्ट्स भी बीम आपकी लटक रही है। ओके, तो दोनों टाइप से भी हो सकती है, किसी भी टाइप से, यानी कि बीम में की लंबाई जो है सपोर्ट से बाहर भी थोड़ी सी निकली हुई, चाहे एक साइड से हो चाहे दोनों साइड से। ओके, जब इस तरीके की बीम होगी आपकी बेटा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। तो ये तो थे बेटा आपके डिटर्मिनेट्स बीम के प्रकार। ओके, अब हम लोग देखते हैं इनडिटर्मिनेट्स बीम के प्रकार। इनडिटर्मिनेट्स बीम के भी आप पढ़ ये भी चुके होंगे पहले से ही बेटा, मुझे मालूम है, लेकिन हो सकता है शायद आपको डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का मतलब ना मालूम हो, मतलब नाम ना मालूम हो। ओके, तो इनडिटर्मिनेट बीम अब देखते हैं कौन कौन सी हैं बेटा, वो भी आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। ओके, देखिए नंबर एक में इनडिटर्मिनेट बीम में देख लेते हैं, पहले ये तो दूसरा नंबर था ना बीम का, तो बीम के इनडिटर्मिनेट फॉर्म के फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, प्रॉब्ड बीम। ओके बेटा, क्या नाम है इसका, प्रॉब्ड बीम। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट आप देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस बीम। ओके, और तीसरा टाइप इसका बेटा
फिक्स्ड बीम, कैसी है? फिक्स्ड बीम, ओके। अब इसी के आगे हम लोग इनके फिगर देखते जा रहे हैं कि जैसे अगर बात करें इसकी प्रॉप्ड बीम की, तो बेटा ये एक प्रकार की ऐसी धरन होती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा सिंपली सपोर्टेड होता है, ओके। जिसका एक सिरा फिक्स होता है प्रॉप्ड बीम का और दूसरा सिरा सिंपली सपोर्टेड होता है, दूसरा सिरा सिंपली सपोर्टेड। देखिए एक प्रकार की ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा सिंपली सपोर्टेड, जब इस तरह की बीम होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? प्रॉप्ड बीम, ओके। अगर बात की जाए बेटा कॉन्टिन्यूस बीम की, तो जब भी किसी भी बीम में दो से ज्यादा सपोर्ट्स हों, कैसे हो बेटा? दो से ज्यादा सपोर्ट्स हों, ओके। तो अगर किसी भी बीम में अगर दो से ज्यादा सपोर्ट्स हैं, तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं ए बी और सी, यानी कि दो से ज्यादा सपोर्ट्स हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या नाम बोलेंगे बेटा? कॉन्टिन्यूस बीम, ओके। कि जब भी कोई प्रकार की ऐसी बीम आपके सामने आ जाए जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट्स हों, दो से ज्यादा मतलब फिर तीन हो, चार हो, पांच हो, इट डजंट मैटर, ओके। तो बस दो से ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूस बीम है, ओके। तो आपने ये भी सीख ली प्रॉप्ड बीम, कॉन्टिन्यूस बीम, और इसके बाद देखते हैं फिक्स्ड बीम, ओके। फिक्स्ड बीम आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक प्रकार की ऐसी धरन कि जिसके दोनों सिरे बेटा फिक्स हो, एक प्रकार की ऐसी धरन जिसके दोनों सिरे फिक्स हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड बीम। तो ये था बेटा आज के वीडियो में बीम और बीम के प्रकार, ओके। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, बीम के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा डिटर्मिनेट बीम, ओके, और दूसरा इनडिटर्मिनेट बीम। डिटर्मिनेट बीम में आपने पढ़े थे तीन प्रकार, एक पढ़ा था आपने कैंटिलीवर, दूसरा आपने सिंपली सपोर्टेड बीम, और तीसरा आपने पढ़ा था अभी जो भी था आपका सॉरी ओवरहैंगिंग बीम, ओके। फिर इसके बाद हम लोगों ने इंडिटर्मिनेट बीम के प्रकार पढ़े जिसमें प्रॉप्ड बीम, कंटीन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और जल्दी मैं आपके लिए एक सपोर्ट्स एंड देयर रिएक्शन से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग जो बीम के रिएक्शन निकालने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपके गेट गेट के एग्जाम में या जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको बनाऊंगा, तो आपको सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके बेटा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।